चीन की भीषण हमले के खतरे का सामना कर रहे ताइवान को अमेरिका से F-16 विमानों की नई खेप मिलने में देरी हो रही है। ऐसे में अब ताइवान की सरकार अपने मिराज 2005 लड़ाकू विमानों को आधुनिक बनाने जा रही है ताकि उनके कार्यकाल को बढ़ाया जा सके। ताइवान ने अमेरिका को 66 नए F-16 फाइटर जेट का ऑर्डर दिया था। अब चीन ताइवान की घेरेबंदी की पूरी तैयारी कर चुका है। ऐसे में ताइवानी सेना की क्षमता की तेजी से जांच शुरू हो चुकी है। ताइवान के एयरफोर्स कमांड मुख्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि एक शोध जारी है ताकि यह पता लगाया जा सके क्या ताइवान के 54 मिराज फाइटर्स की सर्विस लाइफ को बढ़ाया जा सकता है या नहीं। ताइवान की अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने बताया कि यह योजना रणनीतिक और खतरा कम करने के कारणों पर आधारित है। प्लान के मुताबिक 9 विमानों को आधुनिक बनाया जाएगा जो सभी 2 चिटों वाले हैं। इन विमानों को हवाई सुरक्षा के साथ साथ ट्रेनिंग की भूमिका में इस्तेमाल किया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक इस बात का कोई कारण नहीं है कि अगर फंड मौजूद हैं तो इसी प्रोग्राम को भविष्य में सिंगल सीट वाले विमानों तक नहीं बढ़ाया जा सकता। ताइवानी वायुसेना ने कहा है कि वह मिराज 2000 विमानों को बनाने वाली कंपनी डसॉल्ट एविएशन के साथ मिलकर काम कर रही है। यह कंपनी इस बात का आकलन करेगी कि क्या ये विमान अगले 20 साल तक काम कर सकते हैं या नहीं। ताइवानी सेना इसके लिए काफ़ी पैसा भी कंपनी को दे रही है। माना जा रहा है कि इस दौरान कई विमानों का आधुनिकीकरण भी किया जा सकता है। मिराज विमान ताइवानी वायुसेना के अंदर सबसे ज़्यादा महंगा फाइटर जेट है। मिराज फाइटर जेट साल 1997 से साल 1998 के बीच में ताइवानी वायुसेना में शामिल किए गए थे। ताइवान ने कुल 60 विमानों की खरीद का ऑर्डर दिया था। ताइवान की वायुसेना मिराज विमानों की क्षमता की कायल है। भारत भी मिराज 2000 विमानों का कई वर्षों से इस्तेमाल कर रहा है। ये मिराज विमान भी भारतीय वायुसेना की शान कहे जाते हैं।